इंडियन मॉम के, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। सो आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपने घर का टूर वीडियो करवाओ, तो फाइनली आज वो घड़ी आ गई है जब मैं आप लोगों को करवाऊंगी अपने छोटे से घर का जो टूर है, अपने आशियाने का टूर, जो मैंने बहुत ही प्यार से, जैसे कहते हैं ना कि हाय बस मैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ही प्यार से मैंने इस घर को ना बना रही हूँ अपने तरीके से। उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, आई मीन टू से सामान सारा सेटअप करना मेरा ना अभी कोई, जब आप लोग कहते थे ना कमेंट्स में कि अपना होम टूर करवाओ, मैं सोचती थी थोड़ा सेट हो जाएगा ना उसके बाद करूंगी, लेकिन आई थिंक वो बहुत टाइम लेने वाला है, घर कभी भी सेट नहीं होता, मैं अब तो ये समझ गई हूँ। धीरे धीरे आपको लगता है अच्छा आज ये जरूरत है, कल वो जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे है ना, तो वो बढ़ता ही रहेगा। तो अभी जितना हो गया है मैं उसके साथ आप लोगों के साथ आज होम टूर करने वाली हूँ। सो आप जो कि मेरे चैनल पे पुराने हो, सबको पता है कि मैंने अभी घर कुछ टाइम पहले ही लिया है, कुछ 2 महीने पहले ही हमारा घर आया है और ये सेमी डिटैच हाउस है, कैनेडा में है, दैट्स ऑल। और ये मेरा फर्स्ट हाउस है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे इस घर को क्रिएट करने में, इस घर की मेमोरीज को क्रिएट करने में। हमारी एक जिंदगी की ना नई शुरुआत हुई है और इस नई शुरुआत में ना आप लोगों ने हमारा पूरा पूरा साथ दिया है, तो बस इस नई शुरुआत के साथ नई नई खुशियां आने वाले हैं, ये मेरी दिल कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। चैनल पे न्यू है तो कमेंट कीजिएगा कि आप चैनल पे न्यू है, लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे घर के होम टूर को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी नेबरहुड, हमारे आसपास के घर कैसे हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। ये है हमारे घर की, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ नेबरहुड, ये हमारे घर के आसपास के घर हैं सारे के सारे। यहाँ पे जनरली सारे के सारे डिटैच्ड और सेमी डिटैच्ड हाउसेज हैं। हमारा ड्राइववे यहाँ पे कार पार्क होती है, यहाँ से हम चलेंगे अब अंदर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको अपनी कार में से गैराज खोल के दिखाऊंगी। रिमोट से हमने कर दिया अपना डोर ओपन, सो दिस इज द एंट्री नंबर 1 जो हमारी गैराज से जाती है, एंड ये है हमारी एंट्री नंबर 2 जो हमारी मेन एंट्री है, एंड यहाँ से हम अपना बैकयार्ड आपको दिखाएंगे। सो ये है हमारी एंट्री नंबर 3, तो ये हमारी सारी बैकयार्ड एंट्री है, यहाँ से हमारा बैकयार्ड का एक्सेस है। तो ये है हमारा मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग एंटर करने वाले हैं अंदर की तरफ, दिस इज द मेन डोर, लेट्स गो सावन, आ जाओ अंदर लेकर कैमरा वाले। सो यहाँ से हम एंटर कर जाते हैं अपने घर के अंदर, एंड घर के अंदर एंटर करते ही हमारे पास सबसे पहले 2 दरवाजे आ जाते हैं। सबसे पहले दिस इज द 1 दरवाजा, ये खोल के मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या है। सो ये है हमारा गैराज यहाँ पे, जो कि ना अभी उतना साफ नहीं है, हमने किया था लेकिन दोबारा मैसी हो गया सारा का सारा। सो दिस इज द गैराज, लोग जनरली यहाँ पे अपनी सारी की सारी ग्रोसरी, ये मतलब बेसिकली पेंट्री बना देते हैं लोग यहाँ पे, हमारे शूज वगैरह साइकिल सब यहाँ आ गई है। लोग कुछ कोशिश करते हैं कि वो कार वगैरह भी यहाँ पे लगा दें अपनी। सो ये है हमारा गैराज जिसका दरवाजा मैंने अभी आपको खोल के बाहर से दिखाया था, दोबारा लॉक भी कर दिया। एंड इसी के बाद साथ में शुरू करते हैं, दिस इज आवर किचन। किचन में सबसे पहले घर का जो है हमारा भगवान जी का एरिया मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, दिस इज आवर मंदिर एरिया। तो ये हमने अभी अभी डेकोरेट किया है सारा का सारा, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो चलिए जय गणेश करते हुए अपने इस घर के टूर को शुरू करते हैं। सो ये हमारी किचन, किचन में सबसे पहले ही हमारी एक बहुत बड़ी सी विंडो आ जाती है, क्योंकि मैंने जब से कैनेडा आई हूँ अपना 3 साल जो है ना बेसमेंट में गुजारे हैं, 3.5 साल, एंड लाइट्स नहीं थी कि उतनी नहीं थी, थी तो थी उतनी नहीं थी, अब मुझे इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां देख के वैसे खुशी मेरी बहुत बढ़ चुकी है। तो इसी के साथ मैं आपको अपनी किचन का टूर करवाऊंगी। तो ये है हमारी किचन, किचन का साइज हमारा काफी हद तक बड़ा है, मैंने जितने घर यहाँ पे देखे किचन कई घरों में बहुत छोटी होती है, पर मेरी किचन इनफ है, बहुत अच्छी है। एंड इसके साथ हमें अप्लायंसेस मिली थी यहाँ पे घर पे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे किचन में गैस
एंड साथ में ओवन जरूर मिलता है एज वेल एज उसके साथ डिश वॉशर यहाँ पे हमें एक एड ऑन हुआ है हमारा पॉइंट, तो ये हमें मिला है एंड इस घर की ना एंड फ्रिज, यस फ्रिज हमें इसके साथ फ्रिज भी मिला है यहाँ पे। तो ये चीजें जो है ना ये मिलती ही मिलती है कैनेडा के घरों में, चाहे आप रेंट पे जाते हैं, चाहे अपना घर ओन करते हैं, चाहे अपार्टमेंट में जाते हैं। सबसे चीज अच्छी मैं आपको बताना चाहूंगी, दिस इज द मेन अट्रैक्शन हमारे घर की, सर्विंग विंडो। तो ये मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है कि अब बहुत सहूलियत है, अगर डाइनिंग टेबल पे खाना पास करना है ना तो यहीं से पास कर सकते हैं हम खाना आराम से। तो दिस इज द मेन एडवांटेज एंड ये किचन के एरिया से हम निकलते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो है कीज को हैंग करने के लिए यहाँ पे होम स्वीट होम, पुराने दर्शकों को जरूर पता होगा ये पिछले घर में भी था एंड यहीं से हम आगे चलते हैं। किचन के साथ ही हमारा गैराज था, गैराज किचन एंड देन उसके बाद हमारा आ जाता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में लास्ट अपने वीडियो में बताना आप लोगों को भूल गई थी, ये वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लिविंग एरिया, ये हमारा यहाँ पे ड्रॉइंग रूम है एंड टीवी है यहीं पे हमारा साथ में इसी के साथ में। सो दिस इज द लिविंग एरिया एंड लाइट्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सी धूप आती रहती है बाहर से। यहाँ पे लिविंग रूम के साथ ही हमारा है डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया आपको किचन एरिया से दिखाई दे गया था वैसे, तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया एंड ये वाला फोटो मेरा हर टाइम मेरा बेस्ट फोटो है, ये हर टाइम आपको मेरे हर घर में मिलेगा। मैंने हिमाचल वाले हाउस टूर किया था उसमें भी आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे भी मैंने इसी फोटो को बड़ा डेवलप करवा लिया है एंड ये है हमारा बैक यार्ड जिसमें मैं आपको लेके चलती हूँ वो भी साथ ही साथ में। सो दिस इज द बैक यार्ड एरिया, बैक यार्ड ये है हमारा और बहुत बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, बट अच्छा है, ज़्यादा काम नहीं है। अदरवाइज कुछ बैक यार्ड्स में इतनी इतनी घास होती है कि आपको वही काम रह जाता है काटने का, वो नहीं है। एंड यहाँ पे ये आजकल हमने इसको अभी सिर्फ कवर किया था, ये गजीबो नहीं बनाया है हमने, ये सिर्फ कवर किया था क्योंकि हमारी एक पार्टी के टाइम पे बारिश होने के कुछ वो हो गए थे इसीलिए हमने कर दिया था। तो अभी ये लगा हुआ है, हम इसको हटा देंगे थोड़े टाइम के बाद एंड यहाँ पे हम आगे वाले टाइम पे ना सब्जियाँ ज़रूर ग्रो करने वाले हैं। एंड ये है वो एंट्रेंस जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी बैक एंट्री वाली, तो दिस इज द बैक एंट्री हमारे बैकयार्ड के लिए, ये एक्सेस है। अगर हमें किसी को अंदर से नहीं लेके आना है, सीधे बाहर से ही आना है, तो दिस इज द एक्सेस। आपको ऊपर का सारा एरिया जो है ना वो दिखा रही हूँ कि कैसा लगता है बैकयार्ड से हमारा घर ऊपर की तरफ। इसी लिविंग एरिया के साथ ना हमारा यहाँ से एक्सेस है हमारी बेसमेंट के लिए, जो मैं अभी नहीं लेके जाऊंगी, थोड़ी देर बाद लेके जाती हूँ क्योंकि दिखाने लायक उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दिखानी है कि बेसमेंट होती कैसे है यहाँ पे। सो ये हमारी बेसमेंट का एरिया है एंड यहाँ से हम अगर ऊपर चलते हैं तो आजकल हमने कुछ बहुत फोटोज हमारे घर में लगानी शुरू कर दी, ये बहुत ही अच्छी लगी है। मैं इंडिया से लेकर आई थी बुद्धा जी की फोटो एंड शायद आप लोगों के साथ शेयर भी की थी एक वीडियो के अंदर एंड यहाँ से हमने कुछ अपने घर की फोटोज, ये भी सारी शेयर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, कुछ सीरीज ऑफ मेमोरीज हमने यहाँ पे कलेक्ट की है अपनी, जब सावी छोटा बच्चा था, जब हम घूमने गए एंड देन जब सावी ग्रेजुएट हो गया, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ, हाँ जब दिवाली थी सावी को सब याद है ना, और और जब हमने कुछ सीली फेसेस बना के भी एक पिक्चर क्लिक करवाई थी, देखो हाँ हम सबके देखो हमारे पास क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले आते ही एक वास रख दिया है एंड एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली रूल्स का कोटेशन है जो हमारे पुराने घर से चल रहा है हमारा एंड साथ हमारा सबसे पहले अपर फ्लोर पे चढ़ते ही आता है वॉशरूम। वॉशरूम यहाँ पे ये फुल है, वॉशरूम फुल का मतलब है यहाँ पे टॉयलेट भी है एंड नहाने का भी है। सो दिस इज द फुल वॉशरूम एंड फुल वॉशरूम है। यहाँ पे एक हमारी कबर्ड है जिसमें हमने कुछ सामान यहाँ पे रख दिया हुआ है अपना, है ना, छोटा मोटा सा एंड एक नीचे यहाँ पे भी कबर्ड्स हैं जिनमें भी हमने अभी सामान ऐसे ही रख दिया है जो हमारी यूज की चीजें हैं एंड इसी के साथ ना ये है हमारा टब, यहाँ पे टब एरिया नहाने के लिए। सो इधर ये है हमारा टब एरिया यहाँ पे, तो दिस इज द फुल वॉशरूम यहाँ पे। इससे बाहर हम चलते हैं, सो यहाँ से अब हमारे वॉशरूम से ही हम आते हैं। तो हमारे पास तीन कमरे हैं,
पहले सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक और कबर्ड है जिसको हमने अपने हिसाब से कोशिश तो करी है सेट करने की। इसमें हमारी बेसिक नेसेसिटी की चीजें जैसे मेडिसिन है, मेरा अपना मेकअप का सामान है, थंबनेल एंड ऑल, मतलब कुछ कुछ ऐसी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा टॉवल्स है, तो इस तरह की कुछ चीजें, हाँ बैंडेज है। सो ये है। इसके बाद में सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपना मास्टर बेडरूम। सो दिस इज आवर मास्टर बेडरूम, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। एंड यहाँ से हमारा नीचे बिल्कुल बैकयार्ड दिखाई देता है इस विंडो से। विंडोज ही देख देख के कुछ खुशी हो जाती है मुझे। इस वाले रूम से इतनी धूप नहीं आती है हमें बेड पे, बट बाकी रूम्स में ना अच्छी धूप आती है। एंड दिस इज द होल बड़ी वाली कबर्ड हमारी, जो मैंने और मनीष ने बांट दी है। एक एक आधा पार्ट जो है वो मैं पूरी कबर्ड में दिखाऊंगी, बहुत मेसी करके रखा है, बट ये हाफ पार्ट मेरा, हाफ पार्ट मनीष का है उसी तरह से। एंड साथ में हमारी कुछ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स जो आप लोग देखते आ रहे हो, हर वीडियो में आपको दिखाई दे रही है ये वाली पिक्चर्स। एंड वहां पे भी एक हमने छोटी सी फ्रेम और लगा दी है। यहाँ पे है हमारे भगवान जी साईनाथ। तो हमारा मेन बेडरूम, अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे रूम में, इस वाले में जाना है। सो दिस इज द थर्ड रूम। वैसे ये है हमारा गेस्ट रूम, हाँ, जहाँ ड्रैगन रखा है। ये छोटा सा फ्रिज रखा हम लोगों ने नया लेकर, कि हमें कभी यूज करना पड़े तो हम यूज कर सकते हैं, चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। दो अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे रूम को बिल्कुल भी, यस चेयर पे बैठ सकते हैं। एंड ये हमारी एक और इसमें कबर्ड है, ये छोटी सी एक सिंगल कबर्ड है, बहुत बड़ी नहीं है। अभी हमने इनमें सामान नहीं रखा है, विंटर्स आएंगी तो जैकेट्स आनी शुरू हो जाएंगी। एंड यहीं से आप देखो बाहर का भी व्यू हमें अच्छा दिखाई देता है। सो ये है हमारा बाहर का सारा व्यू। यहाँ से हमारी कार नीचे पार्क्ड है एंड ये हमारी सारी नेबरहुड है। और वेदर देखिए आप कितना, मतलब देख के अच्छा लगता है कि अंदर से भी हमें सारा दिखाई दे रहा है बाहर का, है ना। सो हमारा थर्ड रूम जो मनीष का, हेलो मनीष, हेलो, जा मैं सोता हूँ। ये रूम बेडरूम साबिर का है और एक रूम इन्होंने मुझे दे दिया हुआ है, कह रहे चलो एक रूम तुम किराए पे दे दिया हमने मनीष को, तो मैं अपना ऑफिस का काम ना ये भी बैठ के करता हूँ। मतलब मालिक को हमने किराए पे ये घर दे कमरा दिया है कि हाँ तुम पे तरस खाते हैं, तुम्हें एक रूम ये दे देते हैं, तुम अपना ऑफिस का काम यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, तो ये हम मनीष यहाँ पे अपना ऑफिस का काम कर लेते हैं जो भी है। तो हमें अभी थोड़ा टेबल चेयर लेना पड़ेगा, ये हमारा पुराना डाइनिंग टेबल है जो हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी लगा नहीं कि हमें जरूरत पड़ रही है। चेयर जरूरी है, वो हम ले लेंगे। एंड हाँ जी, एंड ये हमारा बेडरूम है यहाँ पे, सो बेड लगा हुआ है। एंड इसके साथ एक और सिंगल कबर्ड है हमारे पास यहाँ पे भी, जिसमें हमने काफी हद तक सामान, इंडियन ड्रेसेस एंड ऑल मैंने इसमें ही करके रखी हैं। साइड टेबल आ गया इसी के साथ। एंड यहाँ से अगेन हमारा बाहर का बिल्कुल व्यू है। मुझे ना इस कमरे में ना बेस्ट पार्ट यही लगता है, इन दो कमरों में। एक तो यहाँ धूप बहुत अच्छी है, मोर ओवर बाहर आपको सारा दिखाई देता है ना, आपको मतलब आपको बोरियत नहीं होगी इस रूम में बैठ के, तो यहाँ से काफी अच्छा हमें बाहर का सारा व्यू दिखता है। सो ये है हमारा थर्ड रूम। एंड अभी बेसमेंट में चल रहा है हमें साबिर लेके, थोड़ा साबिर का रूम है बेसमेंट में, हाँ अंधेरी नगरी में हम आपको लेके जा रहे हैं। सो यहाँ इन फ्यूचर हम रेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे, अभी के लिए हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। दिस इज द वॉशरूम एरिया, हमारा बेसमेंट का वॉशरूम है ये। ये हाफ वॉशरूम है, कोई टब नहीं है, यस। और ये हमारे पास एक यहाँ पे क्लोजेट है जहाँ पे हमने थोड़ा स्टफ रखा है। एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया भी है जहाँ पे हम लॉन्ड्री कर रहे हैं, और अभी चल भी रही है हमारी लॉन्ड्री यहाँ पे। एंड ये है हमारा पूरा बेसमेंट का एरिया, काफी काफी ह्यूज है। तो अभी तक ये कुछ हमने किया नहीं है इस पे वर्कआउट, करेंगे धीरे धीरे, अभी तो टाइम लगेगा इन सब चीजों के लिए। लेकिन यहाँ हमने सारा एक्स्ट्रा सामान, साबिर के टॉयज एंड ऑल रख दिए, कुछ मैट्रेसेस रख दिए हैं। छोटी सी विंडो होती है बेसमेंट के अंदर, इसलिए बिल्कुल भी रोशनी नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बेसमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे घर का टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। साबिर बोल दो, साबिर बोल दो, सब्सक्राइब राइट नाउ। आजकल साबिर को देख लो, व्लॉगिंग का कीड़ा आ गया। तो प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।